वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस ट्रिप, इंडोनेशिया ट्रिप। राइट नाउ वी आर एट नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ बाली। अभी हम जा रहे हैं तीर्थ गंगा टेम्पल, और दूसरा एक बैसाखी टेम्पल है, और उसके बाद भी एक छोटी सी जगह है इंस्टाग्राम के लिए, इंस्टाग्राम पर लोकेशन है। तो तीन जगह है आज कवर करने की, और यहाँ से फर्स्ट लोकेशन है तीर्थ गंगा, वो 30 किलोमीटर है। वहाँ से दूसरी लोकेशन है वो वहाँ से कुछ 10 किलोमीटर आसपास बाजू में है, और वहाँ से जो तीसरी लोकेशन है बैसाखी टेम्पल, वो 40 किलोमीटर है। एक्टिवा हमने रेंट पे लिया है, अराउंड 1.5 लाख रुपीज़ इंडोनेशियन रुपया, मतलब इंडिया का होगा 750 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन, सो 350-360 रुपीज़ पर पर्सन। और फ्यूल का यहाँ पर 50-60 रुपीज़ पर लीटर का रेट चल रहा है। सो ये कुछ डिटेल्स है। दिस इज़ अवर रूम एंड दिस इज़ द व्यू, सी फेसिंग। और इसका रेट है 3 लाख इंडोनेशियन रुपया, मतलब कि 1500 रुपये अराउंड, 1 लाख यानी 500 होता है, 1500 रुपये, 1500 इंडियन रुपीस पर नाइट का। सो या लेट्स गो। सुबह के 11 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, जाते हैं यहाँ से 1 और 1.5 आवर लगेगा हमको तीर्थ गंगा पहुँचने में। बहुत ही सुंदर मंदिर है, और जैसा कि आपको पता है कि इंडोनेशिया में सिर्फ 2 ही आइलैंड है एज पर आई नो, जहाँ तक मैंने गूगल किया है कि वहाँ हिंदू मेजोरिटी है। एक तो बाली आइलैंड हो गया, और दूसरा है न्यूसा पेनिडा, जहाँ पर हम गए थे, वो भी एक हिंदू मेजोरिटी वाला आइलैंड है, वहाँ भी आपको टेम्पल दिखेगा। सो लेट्स गो। लुक एट द व्यू, हाफ वे डन, 30 किलोमीटर था, 15 किलोमीटर डन। ठंड बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल रोड्स अभी तक, जो व्यूज थे आसपास कमाल के। ये है राइस फील्ड, यहाँ पे राइस उगाते हैं लोकल फार्मर्स, और ऐसी बहुत सारी जगह मिलेगी इंडोनेशिया में जहाँ पे राइस उगाते हैं, बट कुछ जगह जो बहुत फेमस हो चुकी है, तो वहाँ पे टूरिस्ट बहुत मिलेगी आपको फोटोज क्लिक करवाने के लिए। और कुछ जगह ऐसी है जो आपको रास्ते में मिल जाएगी, जिसका नाम इतना फेमस नहीं है, तो यहाँ पे टूरिस्ट बिल्कुल नहीं हुए, तो यहाँ पे आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। जगह सेम ही है, बट एक फेमस है और दूसरी फेमस नहीं है। लुक एट द वेदर, पूरा पहाड़ों पे है ये, और बहुत ही अच्छे रास्ते थे, ब्यूटीफुल प्रॉपर हिल स्टेशन वाली वाइब आएगी यहाँ पर। एंड 50 किलोमीटर्स टू गो फॉर तीर्थ गंगा टेम्पल आफ्टर 1 आवर ऑफ राइड। ये आ गया सामने टेम्पल, यहाँ पर है पार्किंग, फ्री पार्किंग। ऐसा कुछ लिया है सी फूड मछलियों के लिए, 5000 इंडोनेशियन रुपया, ताकि आप वीडियो अच्छे से बना सको। अगर आप इसे डालोगे तो बहुत सारी फीस आपके पास आएगी।
दिस इज द एंट्री फी फॉर द टेम्पल 70,000 इंडोनेशियन रुपया, मतलब पर पर्सन 350 रुपीज अराउंड। थैंक यू, वेलकम। This is beautiful. Ja, aber hier kommen wir. ब्रोडर लूज फोन ना बाढ़ से फूड लाइट लोगों ने यहाँ पर पैसे डाले अंदर, बहुत सारी फीस यहाँ पर भी है। वेरी ब्यूटीफुल यार, तो यहाँ का वेदर इतना अच्छा है और ये टेंपल भी काफी अच्छी वाइब आ रही है। ये हिंदू देवी देवता की मूर्तियाँ, यहाँ पे पॉन्ड है और आसपास पूरा ग्रीनरी है। यहाँ पर यहाँ बैठने के लिए बेंच बनाई है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल टेंपल है, मस्ट विजिट। सो आज टोटल हमें टेंपल ही देखने हैं, एक देख लिया, दूसरा हिस्सा भी एक सुंदर टेंपल है बैसाखी टेंपल, और तीसरी यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर एक गेट है, वो गेट के आगे लोग फोटोज क्लिक करते हैं। बिल्कुल घने जंगल के बीच में पूरा मंदिर है, फ्रेश एयर और ग्रीनरी, जबरदस्त जगह है।
और ये जो गेट दिख रहा है, यहाँ के गेट ऐसे होते हैं। ऐसा लग रहा है कि दो नमस्ते करते हुए हाथ है, एक ये बाजू और एक ये बाजू। ये है यहाँ के आइकॉनिक गेट इंडोनेशिया के, लोग यहाँ पर फोटोज क्लिक करते हैं। तो ऐसा एक गेट देखने हम जा रहे हैं आफ्टर 30 मिनट्स। यहाँ के लोग मूर्ति में हर रोज शाम को ऐसा कुछ करते तो है, अभी आइडिया नहीं है यहाँ का ट्रेडिशन। This is Lord Vishnu on Garuda. यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी है, लोग जाते हैं वहाँ पूरा परिक्रमा करके आते हैं, बीच में फोटोज भी क्लिक करते हैं। इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है पानी की, चारों ओर ग्रीनरी है, पीछे माउंटेन है, फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे स्ट्रेस एकदम ज़ीरो हो जाता है। ऑरा क्लिंजिंग वाली जगह है ये, यहाँ बैठ के आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, मज़ा आ जाएगी, मतलब टू गुड। सेम कल्चर बट डिफरेंट वाइब। ये जो सारे दिख रहे हैं ये विष्णु भगवान का स्टैचू है, ये जो दिख रहा है ये दैट इज, इसके पीछे एक है ये रहा, ये वाला। So that's the video of Tirtha Ganga temple, very beautiful, and अगर बाली में आ रहे हैं तो मस्ट विजिट फॉर श्योर। अभी जाएगा यहाँ से जो सेकंड टेम्पल है हमारा वहाँ पर। बैक दिस कार तो बाहर जाते टाइम एक रेस्टोरेंट दिख गई है, और ये है रेस्टोरेंट। अजीब बात है, यहाँ सामने टेम्पल है और यहाँ आपको सब मिल जाएगा, नॉन वेज, बीफ, चिकन, फिश, सब कुछ। इंडियन थाली भी है, भारतीय भोजन लिखा है, बट यहाँ पे इतना स्पाइसी और इतना अच्छा टेस्ट होगा नहीं। तो पहले करते हैं लंच, 1:45 PM। प्लेस नंबर 2, लैम्पुयुंग, तीरा लैम्पुयुंग, ऐसा ही कुछ नाम है टेंपल का। यहाँ पर व्हीकल पार्क कर दिया है और यहाँ से भी आगे आप अपना व्हीकल नहीं ले जा सकते, यहाँ से आपको उनकी कार या बस में जाना पड़ेगा। ये जो बस दिख रही है, सो एक तरीके से टूरिस्ट से पैसा लेने का मौका। बाकी रोड तो बनी है, खुद भी जा सकते हो अपनी बाइक लेकर भी।
को यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी, यहाँ पर है ये है एंट्री टिकट, एंट्री नहीं ये बस की टिकट है, 45,000 यानी 90,000 रुपीस फॉर जस्ट 3 किलोमीटर दिस बस। थैंक यू। तो ये 3 किलोमीटर का 90,000 रुपये यानी इंडियन रुपीस अपने यहाँ के हो गए हैं ऑलमोस्ट 500 रुपये, 450 रुपये, सो 2 किलोमीटर के 225 रुपये। ये लुंगी और एक मंदिर जो है टेंपल, उसकी एंट्री फी 70,000 इंडोनेशियन रुपया यानी इंडिया का हुआ लगभग 350 रुपये, तो भी इंडिया में तो पता नहीं ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ 350 रुपये एंट्री फी लगती है। और ये जो लोकेशन है सामने दिख रही है वहाँ पर फोटो क्लिक कराने के लिए 1-2 घंटा वेटिंग है। ये जो गेट दिख रहा है नमस्ते वाला स्टाइल में, यहाँ का आइकॉनिक स्टैचू, मतलब यहाँ का एक सिम्बॉल मानते हैं इंडोनेशिया में ऐसा गेट को, तो लोग यहाँ आते हैं फोटोज क्लिक करने, ऐसे 2-3 जगह है, फिर अगर यहाँ पर क्लिक करना है फोटो तो उसका अलग खर्चा होगा। दिस इज द टेम्पल, ये टेम्पल अभी यहाँ भगवान की मूर्तियां तो दिख नहीं रही, एक यहाँ पर कुछ दिख तो रहा है बट पूरा अलग है यहाँ कल्चर। और ड्रैगन वैगन हमारे यहाँ होते नहीं, यहाँ पर ड्रैगन बहुत है, सो इट इज़ लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। नेक्स्ट नंबर 366। तो ये है टेम्पल और यहाँ सब वेटिंग में बैठे हैं, ये सारे लोग वेटिंग में बैठे हैं फोटो खींचने के लिए यहाँ के लिए। ये जो गेट है वो आइकॉनिक गेट है इंडोनेशिया का, इंस्टाग्रामेबल लोकेशन है, पिक्चर्स काफ़ी अच्छे आते हैं। तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि और एक टेम्पल देखना है जो यहाँ से 40 किलोमीटर्स दूर है और शाम को 6 बजे वो बंद हो जाता है। राइट नाउ इट इज 4 PM ऑलरेडी, 1 घंटा जाने में होगा कम से कम एंड 1 आवर वहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे, तो आज यहाँ पर फोटो का नहीं हो पाएगा। यहाँ पे फोटोज ले लिए और यहाँ पे भी फोटोज ले लिए, सो नो वरीज। ऐसा और भी बहुत सारे गेट है इंडोनेशिया में, सिर्फ ये अकेला नहीं है, सो लेट्स गो, चलते एक और टेम्पल देखना है। तो आज की थर्ड एंड द लास्ट प्लेस इज बैसाखी टेम्पल, थोड़ा यहाँ से दूर है, यहाँ से 35-40 किलोमीटर्स है और फिर वहाँ से हमारी होटल और आगे 35-40 किलोमीटर्स है, तो आज कम से कम अपन 120-140 किलोमीटर्स तो हम चलाएंगे बाइक। तो अभी वहाँ से हम लोग आ रहे थे, तो यहाँ पर जो वहाँ से लोग उतर के यहाँ पर कुछ लोग वहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, तो यहाँ भी एक अच्छा लोकेशन है। हम लोग वहाँ ऊपर खड़े थे फ़ोटो खिंचाने के लिए, लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पर कोई भी नहीं था, लिटरली कोई नहीं था, तो बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ आए। और ये साइड देखो, लुक एट द व्यूज़, पूरे क्लाउड्स माउंटेन के ऊपर आ गए। और यहाँ नीचे वही रास्ता है जो ऊपर जाने का है,
पीछे के लोकेशन से अच्छे फोटोज आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ है। कम से कम एक घंटा ऊपर वेटिंग में खड़ा रहना पड़ेगा तब जाके चांस आएगा। Get the weather, man. Awesome. This is the last place. आज की वाह क्लाउड्स एवरीवेयर, बहुत ही ज़्यादा ठंड है और थोड़े भीग चुके हैं, बीच में बहुत बारिश थी और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। ये पूरा रास्ता है, पूरा पहाड़ वाला रास्ता है, ऐसा लग रहा है हिल स्टेशन पे आ गए। यहाँ पे पूरा अंधेरा और बादल आ गए। राइट नाउ इट्स 6:03 बाकी है, उसके पहले एंट्री कर लेते हैं। ये पूरा मल्टी लेवल पार्किंग बनाया है और ये आइकॉनिक गेट, लेट्स गो। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है विंटर्स आ गया है। अभी यहाँ पर कोई नहीं है तो जितने फोटो हमें खिंचवाना हम खिंचवा सकते हैं, क्योंकि बस अभी बंद होने को आया है, कोई टूरिस्ट है नहीं अभी बारिश के कारण। ऊपर पहुंचो मिल रहा था, ले लिया रेनकोट, होटल पे ही भूल गए। 3000 इंडोनेशियन रुपया यानी 100 रुपये का ये है पहुंचो प्लास्टिक थोड़ा। और यहाँ की एंट्री टिकट है 1.5 लाख इंडोनेशियन रुपया, 1.5 लाख रुपया यानी इंडिया का हुआ 750 रुपीज़ टेम्पल की एंट्री फी। बहुत महंगा है, कौन कहता है इंडोनेशिया सस्ता है। लुक एट द व्यू। पर अभी कोई बात नहीं, 6 बजे एंट्री बंद हो जाती है तो आप 6 बजे पहले आ जाना, बाकी 9 बजे तक आप यहाँ पर एक बार अपना एंट्री ले, फिर आप यहाँ 3 घंटे जितना आपको टाइम स्पेंड करना उतना आप कर सकते हो। हम यहाँ 2 मिनट पहले आए बट वर्थ है यहाँ, पूरा व्यू एकदम माइंड ब्लोइंग। ऐसा लग रहा है सुबह के 6 बजे, इतना फॉग और बहुत चलना है यहाँ पर। एक्चुअली ये लोग दूर ही आपको रोक देते हैं 1-2 किलोमीटर दूर, ताकि आप यहाँ से टैक्सी बुक कराओ, बाइक मतलब बाइक बुक कराओ फॉर 2-3 किलोमीटर्स और इनका पैसा चार्ज करें ये लोग। बाकी यहाँ भी बाइक आ सकती है बट ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। Here is the temple, beautiful. थोड़ी सनलाइट होती है अगर 1 घंटा पहले आते तो काफ़ी अच्छा होता। आस पास फूड स्टॉल, सामने ऊपर सीढ़ी वाला मंदिर, बहुत ही सुंदर है। ये सारे लोकल लोग बैठे हैं प्रेयर करने के लिए, बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 200-250 लोग। और ये देखो सामने में इसका टेंपल का शेप कितना अलग है, एकदम अपन इंडिया में ऐसा कोई टेंपल होगा ही नहीं, एकदम अलग ही है पूरा, यूनिक एक्सपीरियंस। और लास्ट परसेंट है बैटरी का, जितना हो सकता है उतना शूट करते हैं। और ये बाइक का फोन भी ऑलमोस्ट बैटरी अबाउट टू डाई है, 3%। बहुत बारिश हो रही है तो कांट शूट एनी वीडियो एनी मोर, बैटरी अबाउट टू डाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।